दीपावली पर्व पर महानगर में विभिन्न स्थानों पर गणेश व लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। भक्ति गीतों से देर रात तक पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। आपको बता दें, कोविड-19 के चलते इस बार छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं, गाजे बाजे के बीच पंडालों में स्थापित किया गया है, जिसके बाद पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। शहर के जिला अस्पताल बख्शीपुर, अग्रसेन तिराहा सहित अन्य स्थानों पर पंडालों में लक्ष्मी गणेश की सुंदर झांकी लोगों ने सजा रखी है। धार्मिक आयोजनों से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयोजक मनीष और प्रदीप गुप्ता ने कहा, मनीष को सर 17 साल हो गए हैं बैठाते समय इस साल का लेके, और इस बीच कोरोना के वजह से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बनाना हम लोग को, और इसीलिए पुलिस वाले लोग हम लोग से बोले हैं कि सोशल डिस्टेंस बना के रखिए और कोशिश करिए कि प्रसाद ना रखा जाए, कि इसे कोरोना के पेशेंट ना बढ़ पाएँ, संक्रमित ना हो पाएँ। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस बना के पूजा का स्थापना कर रहे हैं, और पुलिस वालों को सरकार जो बोली है उसके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मूर्ति की साइज इतनी बड़ी रहती थी? नहीं, मूर्ति की साइज हमेशा हम लोग की 15 फीट होती थी, और इस बार 5 फुट 10 इंच हुई है, क्योंकि इतना ही हम लोग के ज़्यादा वो दिया गया है, शासनीय आदेश है कि उससे ज़्यादा मूर्ति नहीं बनाएगा। इसलिए हम लोग पंडाल भी छोटा बनाए हैं, और ज़्यादा चहल पहल नहीं है, सिर्फ पूजा करने की आज्ञा है, इसीलिए पूजा ही करके खाली मूर्ति विसर्जन कर दिया जाएगा। जी, हमारा नाम प्रदीप गुप्ता है, मोहल्ला मुफ्तीपुर। प्राचीन शिव मंदिर मोहल्ला मुफ्तीपुर में पड़ता है प्रतिमा, ये लगभग हो गया आपका 48 साल, और हर साल इसी तरह प्रतिमा को स्थापित करते हैं, और 5 दिन माता की पूजा होती है और माता का आशीर्वाद हमें मिलता है। देखिए, ये तो सरकार का आदेश है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, और गाइडलाइन का जो भी आदेश हम लोग को मिला है, उसी हिसाब से हमें प्रतिमा को बैठाया जा रहा है, और माता का आशीर्वाद भाई हमको चाहिए। प्रतिमा बैठाना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, माता जी तो माता जी हैं, हम लोग उनका पालन करते हुए छोटी मूर्ति बैठा रहे हैं।